चौथे टेस्ट मैच के दूसरे दिन 80 रन पर भारत के 4 विकेट गिरने के बाद रोहित शर्मा ने टीम इंडिया के लिए शानदार बल्लेबाजी की। जब एक वक्त लग रहा था कि इंग्लैंड टीम भारतीय बल्लेबाजों पर हावी हो गई है, तब रोहित शर्मा ने एक छोर पर खड़े रहकर टीम के लिए जिम्मेदाराना पारी खेली। आपको बता दें कि दूसरे दिन रोहित शर्मा चेतेश्वर पुजारा के साथ मैदान पर उतरे थे, लेकिन पुजारा मात्र 17 रन बनाकर आउट हो गए। उसके बाद कप्तान कोहली भी 0 रन पर बेन स्टोक की गेंद पर पवेलियन चलते बने। उम्मीदें थी अजिंक्य रहाणे से, लेकिन वो भी 27 रन बनाकर रोहित शर्मा का साथ छोड़कर मैदान से बाहर चले गए। उसके बाद मैदान पर उतरे ऋषभ पंत। पंत और रोहित शर्मा ने अच्छी साझेदारी की, लेकिन रोहित शर्मा अपने अर्धशतक से मात्र 1 रन से चूक गए। और जैसे ही रोहित शर्मा आउट हुए, पूरे स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। उनके फैंस इतने मायूस हो गए कि वो यकीन भी नहीं कर पा रहे थे कि रोहित शर्मा आउट हो गए हैं। डगआउट पर बैठे अजिंक्य रहाणे भी रोहित शर्मा के आउट होने के बाद देखे किस तरह से मायूस नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो भी जानते हैं कि इस वक्त रोहित शर्मा का आउट होना टीम इंडिया के लिए कितना नुकसानदायक है। और जैसे ही रोहित शर्मा आउट हुए, इंग्लैंड की टीम जश्न मनाने लगी, क्योंकि वो भी जानते थे कि रोहित शर्मा अगर पिच पर टिके रहे तो एक बड़ी पारी खेलकर मैच को उनके हाथ से काफी दूर ले जाएंगे। फिलहाल देखना होगा कि टीम इंडिया आगे कैसा खेल दिखाती है। इस वीडियो पर आप भी अपनी राय रखिए, साथ ही जुड़े रहिए हेडलाइन स्पोर्ट्स के साथ।